हम बात कर रहे हैं SCC की, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी की। आज के दिन की बात करें तो बड़ी तेज़ी SCC में हमको देखने के लिए मिल रही है। 4% के ऊपर का अपसाइड फिलहाल हमको देखने के लिए मिल रहा है। देख सकते हैं इस वक्त स्टॉक जो है 36.60 पैसे पर फिलहाल ट्रेड होता नज़र आ रहा है। 42 के लेवल से रिजेक्शन लेकर गिरावट दिखाई, एक जंप आया था 40 के लेवल पर, रिजेक्शन लेकर अगेन गिरावट दिखाई। और जब आपने इस रिसेंट लो को ब्रेकडाउन किया था, हमने डिस्कस किया था कि 34 का लेवल तगड़ा सपोर्ट रहेगा, और अगर इस गिरावट के साथ 34 के लेवल को ब्रेकडाउन कर गया तो फिर वैसे कंडीशन में 30 का एक आखिरी सपोर्ट रहेगा जिस पर हमारी उम्मीदें टिकी रहेगी। और गिरावट के साथ हम देख सकते हैं स्टॉक ने उसी के आसपास से ने 31 के लेवल से बाउंस बैक किया है, और इस बाउंस बैक के साथ अपने मेजर रेजिस्टेंस 34-35 के लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर सस्टेन होता नज़र आ रहा है। यहाँ से SCC हमको रिकवरी दिखाता नज़र आ रहा है। तो अब नीचे की ओर 34 इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, तगड़ा सपोर्ट रहेगा, ब्रेकडाउन कर गया तो सबसे आखिरी सपोर्ट 30 का लेवल रहेगा। यहाँ से स्टॉक अब बाउंस बैक दिखा रहा है, तो इमीडिएट जो टारगेट रहेगा और जो रेजिस्टेंस फेस करेगा 38 के पास, 38 के ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट जो मेजर रेजिस्टेंस फेस करने वाला है, देख सकते हैं स्टॉक ने जहाँ से रिजेक्शन लिया है और रिजेक्शन के बाद लगातार बड़ा सेलिंग, बड़ा सेल ऑफ देखने के लिए मिला था। कौन सी लेवल से मिला था देखने के लिए? 40 के लेवल से। 40 के लेवल से रिजेक्शन लिया है तो बड़ा सेल ऑफ, बड़ी सेलिंग देखने के लिए मिली थी। तो अब 40 का लेवल इसके मेजर रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। इसके आसपास थोड़ा सा हमको अवेयर रहना है, फ्रेश बाइंग को अवॉइड करके चलना ही ठीक रहेगा। पैसा आपका है, चॉइस आपकी है। अगर 40 का लेवल स्टॉक ब्रेकआउट करके सस्टेन हो गया तो फिर इस हाई को यानी 42 अगला टारगेट रहेगा। इस लेवल को ब्रेकआउट करके स्टॉक में हमको फिर 44 तक का जंप देखने के लिए मिल सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।